बाहर चल दुनिया नहीं है बबल। मैनू कला छड़ के किथे गया कलिया गुजारा किथे गए हो तुसी। हाय 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 इश्फाक 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 क्या क्या अरे क्या है मोमो, अरे क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रही हो यार। हेलो आप तो जिंदा है। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे बाबा। इश्फाक मैंने बहुत बुरा डरावना ख्वाब देखा था, आपकी मैयत इतनी नुरानी लग रही थी लेकिन आप तो जिंदा हैं। हालांकि इसका मुझे सदका देना पड़ेगा, लाए 1000 रुपए। हेलो तो यूं कहो ना कि तुम्हें पैसे चाहिए, अरे दे दूंगा बाद में, सोने दो अभी मुझे आराम से। सुबह सुबह जगा के सो जा। ड्रा मेनू देखो और तुझ जैसा कंजूस मैंने देखा नहीं रे। सो जाओ। हाय कुजी बाजी मैंने बड़ा बुरा ख्वाब देखा है। हाय हाय मुमताज ऐसा क्या देख लिया है? मैंने मुस्तकीम की लाश देखी है खोजी बाजी। हाय ओ मेरे रब्बा, ओए मेरे मियाँ की लाश तूने देखी? नहीं अपने शौहर की। ओए होए ओए मुस्तकीम मेरा मियाँ है भाई, तूने तो अपने मियाँ की लाश देखी होगी। हाँ पर ये कोई चंगी गल नहीं, बड़ी पैड़ी गल है। मेरी खालाजाद भैन ने भी ऐसा ही ख्वाब देखा था। अगले दिन पता है की होया सी? क्या हुआ था? ओदा मियाँ मर गया। इसका मतलब ये कि मनवर भी कल तक टपक जाएंगे। हाँ 100%। हाय तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो सफेद जोड़े की मैचिंग की चूड़ियां भी नहीं है। वो चूड़ियों की फिक्र छड़, वसीयत की फिक्र कर। किसकी वसीयत? ओए तेरे मियाँ की वसीयत। अगर नहीं लिखी है तो लिखवा ले, जो कुछ भी है ना सारा कुछ अपने नाम करा ले तू। हाय मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं यतीम होने वाली हूँ जोजी बाजी। वैसे मुमताज अगर तू सदमे में ना होती ना तो ये जो तूने फ्लो में मुझे 10 बारी बाजी का है ना मैंने रोला पा देना सी। इस यतीम बच्ची का क्या होगा? नबील कल जो ग्रोसरी मैंने तुम्हें पैसे दिए थे उसके हिसाब में से 500 रुपए कम है। जानू वो ना मेरी जेब से गिर गया था और फिर महमूसा ने मुझे उठा के दे दिए थे लेकिन मैं कहीं रख के भूल गया हूँ। कहाँ घर के अंदर? तेरा ओ क्या हुआ माँ जी? रोशू अब्बा जी की बरसी तो अगले महीने है। ओए नहीं तेरा न्यू अब्बा। न्यू अब्बा महमूद साहब क्या हुआ उन्हें? अभी तो कुछ नहीं हुआ पर कल शाम तक इंशाल्लाह उनका इंतकाल हो जाने। ओ माँ जी क्या बातें कर रही हैं यार, आपको कैसे पता? मेरे ख्वाब देखा है और ख्वाब में उनकी मैयत देखी है। ओहो माँ जी ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, आप रिलैक्स करें, मैं मुझसे आपको कुछ नहीं होगा। ना ना नसरीन याद है पिछले महीने मैंने ख्वाब में कितने सारे पैसे देखे थे तो अगले दिन मुझे यहाँ 5000 मिल गए थे। माँ जी 5000 का नोट वो मेरा था, मैं आपसे पूरा दिन पूछ रही थी लेकिन आपने तब क्यों नहीं बताया? ना ना उस वक्त बताती तो तुझे पैसे देने पड़ जाते ना। अब चुप हो जा, मुझे मसऊद से माफी मांग लेने दे, मैंने बड़ी ज्यादतियाँ की हैं। ऐसी कौन सी ज्यादतियाँ की हैं आपने उनके साथ? उनकी जराबों से पैसे चोरी कर करके हमेशा तेरा नाम लगाया मैंने। माँ जी आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाती रही, बहुत गलत बात है ये माँ जी। वैसे जब तू मरने वाली होगी ना तो तुझसे भी माफी मांग लूंगी, अभी रफाकत से मांग लूं। महमूद हाँ हाँ रफाकत से महमूद मांग लूंगी। ओ माँ जी चले मैं अभी महमूद साहब से माफी मांग लूं, उनके नाम पे मैंने इधर उधर बड़े खत डाले आए। चले चले महमूद साहब चले चले आए माफी मांगे। ओ यार माँ जी आप तो कह रही थी कल मरेंगे, ये तो आज ही निकल गए यार। नहीं मुस्तकीम मार देता है सालमा। अरे क्या बकवास है यार, तुम फिर आ गई हो। अरे आराम से सोने क्यों नहीं दे रहे मुझे? वो आप मरने वाले हैं ना तो इसीलिए आपसे वो मांगने आई हूँ। अरे मेरे पास कोई जायदाद वायदाद नहीं है जो तुम मांगने आ गई हो। नहीं जी नहीं जायदाद नहीं वो। अरे वो क्या भाई? माफी महमूद साहब माफी मैं और माँ जी आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ जी आपकी जराबों से ना बड़े पैसे चोरी किए हैं मैंने। महमूद साहब मैंने भी आपको 8-10 हजार का सदमा तो दिया है तो काइंडली आप मुझे माफ करें, मैंने बाल कटवाने भी जाना है। क्यों माफ करूं भाई, पहले मेरे पैसे वापस करो। ओ यार आपने पैसों का क्या करना है महमूद साहब? अब कल तक तो आपने वैसे क्या हो जाना है। हाँ अब आप पैसे नहीं मगफिरत की दुआएं मांगे। हाँ महमूद साहब जल्दी से माफ कर दें, अगर आपने माफ ना किया तो मैंने आपका गला दबा के आपको मार देना है। अरे बहुत ढीठ हूँ मैं, ऐसे नहीं मरता मैं। महमूद साहब मरना तो आपको होगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। हाँ जी आप माफ कर दे, नहीं तो मैंने आपका बाजू छेद के निकाल लेना। अरे बस करो मोमो, क्या कर रही हो यार, ये ख्वाब आप कोई सच्चे नहीं होते हैं। और इस रातों में हर रोज अपनी दूसरी शादी का ख्वाब देखता हूँ, कोई पूरा हुआ? ये वही जो आपने कल मरना था ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो वक्त आज आ गया। वो अरे बचा और तुझे तू आई भला को टाल तू। क्या हुआ मुमताज, तेरे मियाँ ने तुझे माफ किया कि नहीं किया? हाँ हाँ माफ तो कर दिया है, हाँ। पर मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, कल इनके जाने के बाद मैंने कल्ला रह जाना, लेकिन वो कह रहे थे ये सब बकवास है। लतास इसका भी हल है जोजी के पास। वो क्या? वो ना मैं ना एक खराटे वाले बाबे को जानती हूँ। खराटे बाबा? हाँ, क्योंकि ना वो जागते हुए भी खराटे लेते हैं और ख्वाबों की तबीर बताने के तो बड़े ही माहिर हैं। ले हम उन्हें बुला लेते हैं, दूध का दूध ते पानी का पानी हो जाएगा। नहीं वो दूध भी बेचते, चल अच्छा है 2-4 किलो ले लेंगे, लस्सी बनाने के काम आ जाएगा ना। तू तो दूध के बगैर भी लस्सी बना लेती है मेरी बहन। थैंक यू थैंक यू। चल ठीक है फिर आज ही बुलाते हैं खराटे वाले बाबे को, ते आज ही मालूम हो जाएगा कि महमूद साहब मर रहे हैं कि नहीं मर रहे, और लगे हाथों कोई हल भी हुआ तो वो भी बता देंगे बाबा जी। हाँ तो फिर जल्दी लगाना फोन। हाँ ठहर जा। करते अकीनन ये ख्वाब में चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं कि शायद सो रहे हैं। हम सोए नहीं है बच्चा। तो फिर ये खराटे क्यों ले रहे हैं? ये मेरा स्टाइल है बच्चा। बच्चा? किसका बच्चा? तू बच्चा। खैर उमर चोर तो हम हैं ही शुरू से, खैर इतने छोटे भी नहीं है कि आपको बच्चा लगे। आप ये फरमाइए कि आप कौन साहब हैं? हम हैं खराटे बाबा, ख्वाबों की ताबीर बताता हूँ। अरे वाह सुभान अल्लाह, खुदा आपको जिंदगी दे किसी न किसी तरह, है तो बड़ा मुश्किल काम। अच्छा तो फिर हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। ख्वाब सुनाओ। एक खूबसूरत दोशीजा हमें गुलदस्ता पेश कर रही ताज़ा फूलों का, और हम पे दिलो जान से फिदा हो रही, ये फरमाइए कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है? इसका मतलब है कि तू बहुत बड़ा छिचोर आदमी है। अरे हम तो ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हैं, सिर्फ ये फरमाइए और कुछ नहीं। पहले 10,000 रुपए दे। भाई हमारे पास तो 10,000 नहीं है, सदा की तरह ख्वाब की ताबीर भी नहीं है। सामने से हटो, हमें जोजी बेगम ने फोन किया था। जोजी बेगम ने फोन किया? या अल्लाह, खैर अब क्या ख्वाब देख लिया उन्होंने। आइए आइए तशरीफ लाइए, आइए प्लीज आइए आइए। जोजी बेगम आपने खामखा बाबा को जहमत दी, आप हमें फरमाती हैं हम आपको झट से ख्वाब की ताबीर बता देते। वो तो ठीक है, पर ख्वाब मैंने थोड़ी देखा है, ख्वाब तो मुमताज बहन ने देखा है। मुमताज बताओ ना बाबा जी को अपना ख्वाब। बाबा जी मैंने ना ख्वाब में मुस्तकीम की लाश देखी है। हमारी लाश? या अल्लाह, खैर एक तो आपकी जबान भी बहुत काली है। पहले तुम ख्वाब में पराए मर्दों को देखना बंद करो। नहीं मुस्तकीम पराए नहीं है, मेरे शौहर है। अच्छा बड़ा मीसना है, वो 2-2 शादियां की भी और 2 लोगों को एक साथ रखा हुआ चलाकू। ओहो बाबा जी ये मुस्तकीम है, इनकी बीवी मैं हूँ जोजी। मुमताज के मियाँ का नाम तो महमूद है। हाँ मैंने ना महमूद की मैयत देखी है, तो आप ख्वाब की तबीर बता दें ताकि मैं तैयारी करूँ। अब पहले ये बताओ कि घर में है कौन कौन? मेरा एक नालायक पुत्र है जो ससुर के पैसों पे पलता है, और एक बदसूरत सी बहू है जो सीधे मुंह बात नहीं करती और बाप उसका लाहौर में होता है, और एक बड़े मुंह वाला मेरा मियाँ है। ये अपने बड़े मुंह वाले शोहर के बारे में कुछ बताओ। आप 1950 में पैदा हुए तो बुलबुले शुरू होने के बाद मेरे पुत्र ने आपको उड़ने वाले सांप का लकब दिया। अब उनका इंतकाल कब होगा आप ये फरमाइए। अच्छा बस बस, अब अपने बड़े मुंह वाले शोर के पास लेके चलो, फिर मैं ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। आए तशरीफ लाएं, फिर आप आए आए मेरे साथ। आइए प्लीज आए आए आए। यार नबील ये तुम्हारी माँ नीचे जाके कहाँ बैठ गई है भाई, मुझे शदीद भूख लग रही है। वो बस कर दे यार, 4-5 पराठे तो खा चुके आ गई है माँ जी। कहाँ बाबा जी? इधर बैठे बाबा जी आराम से। हाँ अरे ये मोमो इससे लिए आ रही हो ऊपर? भाई तुम मैंने कितनी मर्तबा मना किया, फकीरों को मत घर में घुसाया करो। इशफाक ये खराटे बाबा है, ये ना ख्वाब की ताबीर बताते हैं, मेरे ख्वाब की ताबीर बताने आए। ओहो मोमो, तुम फजूल में शक कर रही हो यार। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये क्या तुम डब खरब्बा सा फजूल सा बाबा उठा के ले आई हो? मसूद, मेरा नाम मसूद नहीं महमूद है। लेकिन तुझे तेरी बीवी तो मसूद बुलाती है ना। आपको कैसे पता? खामोश, ससुर की कमाई पर पलने वालों से मैं बात नहीं करता। और ये आपको कैसे पता चला? अरे मुझे तो ये भी पता है तुम खूबसूरत हो, अपने शोहर से तंग हो, अपने पापा से पैसे मंगा के ये घर चलाती हो। देखा, अब तो आप लोगों को यकीन आ गया ना कि खराटे पापा कितने वो हैं। अब जो मैं तुमसे सवाल पूछूं, मुझे सच सच जवाब देना। जब तुम नींद से उठे तो तुम दाई करवट पे थे या बाई करवट पे? दाएं तरफ। दाएं। और जब घबरा कर उठकर बैठे तो पहली आवाज आई आई या उई? आई आई उई उई उई। अच्छा, तो उस वक्त बताओ कि सांस नाक से लेके मुंह से छोड़ा था या मुंह से लेके नाक से छोड़ा? अरे भैया, क्या फजूल से सवालात पूछ रहे हैं आप बाबा जी। अरे इन सब चीजों का मोमो के ख्वाब से क्या ताल्लुक? भाई मेरे मुताबिक इनका ख्वाब 100% दुरुस्त है। महमूद साहब अलविदा अलविदा। अरे अरे रे, मेरी बात तो सुनो। बाबा के पास इसका भी हल है। क्या हल बाबा जी? बस थोड़ी सी एहतियात करनी है। 1 महीना घर से बाहर कदम नहीं रखने देना, वरना ये टक के आगे आके जान दे देगा। और सुनो, घर के अंदर किसी चीज को हाथ ना लगाए। छुरी हाथ में आ गई तो नसें काट लेगा। नहाने मत जाने देना, वरना अपना बड़ा मुंह बाल्टी में डाल के मर जाएगा। छत में मत जाने देना, वरना वहां से कूद के जान दे देगा। बस इतनी सी एहतियात करनी है 1 महीना, फिर मौत का खतरा टल जाएगा। थैंक यू बाबा जी, टू मच, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। बस लाओ फीस दे दो। आपकी फीस शुबाना दे देगी। मैं फीस दूं? मैं क्यों फीस दूं माँ जी? मुझे तो वैसे ही इन सब बातों पे भरोसा नहीं है। और तुमने कौन से अपनी जेब से देनी है? लॉर्ड से अपने पापा से तो मंगाने। आपको ये भी पता है कि पापा लाहौर में रहते हैं? अरे हमें सब पता है। तू ऑनलाइन मंगा ले या हम अपना नंबर देते हैं, ट्रांसफर कर दीजिए। अरे रहम करो यार नबील, जाने दो मुझे। नहीं महमूद साहब, मैं आपको मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। नबील, मुझे मौत के मुंह में नहीं यार, वॉशरूम जाना है। नहीं यार नहीं, अगर आप पार्टी में डूब के मर गए तो? अरे मैं कोई भैंस का बच्चा हूँ, तैरना आता है मुझे नबील, तैर लूंगा। ये भी तो हो सकता है कि आप अपनी जहरीली गैस से दम घुटने से मर जाएं। अरे नहीं मरूंगा भाई, ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अंदर जाने दो नबील। नहीं महमूद साहब नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं एक बार फिर यतीम नहीं होना चाहता, मैंने पहले रोशो बखो दिया। अरे मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, जाने दो अंदर। अच्छा चले ठीक है, लेकिन जाने से पहले वसीयत तो करते। आखिर आपका बड़ा बेटा हूँ मैं यार। अरे मेरे पास कुछ नहीं है नबील। अच्छा जी, वो जो शेर खान की घड़ी चुराई थी आपने, वो मेरे नाम करें। वो उधर अलमारी में पड़ी हुई है, जाके निकालो, मुझे अंदर जाने दो यार। अरे ओए नबील ना कर यार। अच्छा जाए 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 अलमारी में। वो ओए गुजरना पड़ेगा सिकंदर। महमूद, हाँ आपको महमूद की लाश पे से जाना होगा तलावर। अरे मोमो, मेरा दम घुट रहा है यार अंदर कमरे में, मुझे जरा बाहर खुली फिजा में जाने दो। बाबा जी ने कहा था कि आप मौत को खुद गले लगा लेंगे। अरे मौत है, मौत क्या महविश हयात है जिसे मैं गले लगा लूंगा। अब तक खान मरते मरते भी आपका छछोरपन नहीं जा रहा ना, और तुम्हारा पागलपन नहीं जा रहा। आराम से महमूद साहब, कहीं आपका बीपी हाई ना हो जाए। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ भैया, मुझे जाने दो। नहीं मुस्तकीम, मैं आपको इस दुनिया से नहीं जाने दूंगी। अरे अंदर जाने दो भाई, जान छोड़ो मेरी। माँ जी, मैं जरा अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, आपने महमूद साहब को नीचे नहीं जाने देना। तू फिक्र ना कर, मैंने बड़ी कड़ी वो रखनी है इनके। जी बिल जमा करवाने जा रहा हूँ वरना आपको परेशानी होगी ना। हाँ वो तो ठीक है पर ऑनलाइन जमा करा देना। वो मेरा ना मोबाइल खराब हो गया है ये भी बनवाना है तो मेरे मोबाइल से जमा करा दे। जोजी का दिल बहुत बड़ा है। नहीं भाई जाने के बाद मुझे जरूरी काम है जोजी जी। अब जोजी इतनी पत्थर दिल नहीं है कि आपको मौत के मुंह में जाने दे। हाय ओ मेरा रब्बा महमूद साहब छेती से कलमा पढ़े कलमा पढ़े। अरे भाई चक्कर आ रहे हैं एक गिलास पानी मिल सकता है? मैं पानी लाती हूँ लेकिन आपको कसम है मरना नहीं है मेरे आने से पहले। पानी पे आके सवाब मैंने कमाना है। अभी आई। महमूद साहब अरे अरे ये क्या बदतमीजी है। मुस्तकीम साहब टांग छोड़े मेरी। अरे महमूद साहब क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हैं? हमने अपने आप से अहद किया है हम अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको घर से बाहर जाने नहीं देंगे। अरे तुम सब के सब पागल हो। उस पागल बाबा की बातों में आ गए हो। अरे मेरे सर में शरीर दर्द हो रहा है छोड़ो मुझे जाने दो यार। अरे ऐसा कीजिए आप फिर कड़क सी चाय बनाइए शाम को सब मिल बैठ कर पियेंगे। हो सकता है ये आपकी जिंदगी की आखिरी चाय हो। चाय हाँ ठीक है मैं चाय बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ चाय। जी आइए ठीक है गुड आइडिया बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। जी 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 आइए ये ना जरा बंद करके उधर रख के आइए मैं चाय बनाता हूँ। हम रखते चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी भले उस पार निकलते हैं। बबल बनाए चलता जा कोई जाए जाए चलता जा। और बबल बुलाए चलता जा कोई आए जाए। अच्छा तो ये महमूद साहब ने किया था छोड़ूंगा नहीं मैंने। चलता जा रे चिकने चिकने चेहरे भैया चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा कोई आए जाए चलता जा। जानू माँ जी मुस्तकीम साहब ओह मुझे लगता है जैसे हम सब मर चुके हो। ओ माँ जी मरे नहीं थे यार सिर्फ बेहोश हुए थे और ये साजिश है उस बड़े मुंह वाले की। हाय कितना रोका था मैंने महमूद साहब को लेकिन नहीं हमें बेहोश करके निकल गए। अब अल्लाह ही हाफिज है भाई महमूद साहब का। नबील ये पूरे सोशल मीडिया पे महमूद साहब की डेथ की खबर चल रही है। हाय हाय मेरे मुस्तकीम हाय अल्लाह की मैं सोशल मीडिया पे भी इंटरनेशनल बेवा हो गई हूँ। हाय मेरा मुस्तकीम। ओए भैना अपने मियाँ के लिए रो मुस्तकीम तो मेरा मियाँ है। हाय मेरे मरहूम मियाँ पे इतना बड़ा इल्जाम ना लगा। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी इशफाक? जानो एक काम करो पापा जी से 10-20 लाख मंगवा लो मेरा बाप मर गया मैं दूसरी बार यतीम हुआ हूँ। पहले रोशू निकल गया अब महमूद साहब निकल गए। नबील 10-20 लाख कुछ ज्यादा नहीं है? आज के दिन तो कंजूसी ना कर जालिम औरत। मेरे बाप का खत्म बड़े गोश्त पे होगा और 1000 बंदा होगा। हाँ, मेरे मियाँ को बड़ा गोश्त बहुत पसंद था। मुमताज बहन मीठे में रबड़ी बनवा लो रबड़ी। मैं कहती हूँ रबड़ी खा के जो सीने में ठंड पड़ेगी उसके बाद जो महमूद साहब के लिए दुआ निकलेगी सीधी अर्श पे जाएगी देखना। अरे रबड़ी के साथ शीरमाल भी हो जाए क्योंकि महमूद साहब को रबड़ी के साथ शीरमाल पसंद थे। अबे ख्वातीनो हजरात हमारी माँ ने तो मीठे में जर्दा बनवा ले क्योंकि मरहूम हमारे हाथ का बना हुआ जरदा बड़े शौक से खाते आए, मीठा तो वो किसी किस्म का नहीं छोड़ते थे। शराज़ आपस समझाती नहीं ज्यादा मीठा ना खाया कर महमूद, लेकिन कहाँ मानते थे। जानू क्यों देर कर रही हो, पापा जी को फोन करो पैसों के लिए यार। हाँ करती हूँ पापा को फोन। माँ जी रोने का क्यों? मसूद मसूद कहाँ छोड़ के चले गए मुझे मसूद। हाँ भाई इमरान क्या हो रहा है बच्चों? और रू 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 भाई साहब ये राना रिजवान अजमल साहब हैं घर पे? रू 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 अरे अरे रू पागल हो गए लोग पता नहीं। रू 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 आज तो रू 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 अरे पता नहीं है मोहल्ले वाले पागल हो गए हैं यार, मुझे देखते ही रू रू रू। हद हो गई है भाई, जिंदा इंसान को रू 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 कह रहे हैं, पागल ना हो तो। बेवकूफ के बच्चे। आए आए है मुस्तकीम, मुझे क्यों नहीं लेके गए अपने साथ? आए बड़ी गंदी आदत थी मुस्तकीम की। ओ माँ जी गंदी आदतें तो बहुत सारी थी उनकी, खुद भी बड़े गंदे थे भाई, दो माँ ना आते नहीं थे। आप कौन सी गंदी आदत की बात कर रही है? उधर वो जो टाप की गंदी आदत थी ना, वो ये कि किसी की बात नहीं सुनते थे। देखो कैसी भरी जवानी में चल बसे। आए हाय मुमताज बहन, अब इतने भी जवान नहीं थे, पक्की उम्र के थे बड़ी। बस 100 साल का होने वाला था मेरा उड़ने वाला साहब, ये नहीं क्या मेरा बाप। भाई मरहूम बड़े ही शौकीन मिजाज थे, अपने हर मोहब्बत नामे पे हमसे पूछ के शेर लिखवाते थे। जानू तुम भी थोड़ा सा रो लो। जानू तेरे स्टाइल ही नहीं मुक रहे, रुदाली बन रुदाली। Shut up Nabeel. It's not okay. My father has gone. भाई हमें तो यकीन नहीं आ रहा, कोई सबूत दीजिए कि आप जिंदा हैं। अरे कौन सा सबूत भाई, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और क्या सबूत दूँ? लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी मौत की खबर चल रही थी महमूद साहब, वो अरे वही तो, मुझे एक मर्तबा पता चल जाए कि ये किस कमबख्त की कारस्तानी है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। अरे जिस जगह से मोहल्ले में गुजर रहा हूँ लोग रू 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 कह के भाग रहे हैं मुझसे दूर दूर। अरे मैंने भी साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवा दी है, अभी उनका फोन आता ही होगा। आ गया आ गया आ गया आ गया। हेलो जी क्या क्या हुआ है कुछ? हमें भी एतमाद में ले। मैं ना बिरयानी का ऑर्डर कैंसिल करके आता हूँ। अबे तू कहाँ चला है? इधर आ। बिरयानी कौन सी? साइबर क्राइम वालों का फोन था, वो कह रहे हैं कि मेरी मौत की पहली खबर इसकी आईडी से लीक हुई है। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकल